हाँ डेफिनेटली बहुत ही डिफरेंट लुक है एंड इनफैक्ट ये वन ऑफ द मेन रीजंस है क्यों जिसके लिए मैंने ये फिल्म ली है. बिकॉज जब मैं पहली बार मिली थी अभिषेक सर से एंड मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी तो द बेसिक जो आइडिया था स्क्रिप्ट का जो ये लड़की की जर्नी है यू नो इट्स अ सिंपल मुस्लिम गर्ल. ये एक वन ऑफ द लुक्स ऑफ द फिल्म है. ये फिल्म में काफ़ी सारे लुक्स हैं ये लड़की के. तो ये जो जर्नी है ये लड़की की मूविंग इन टू अ एक्शन हीरो फर्स्ट आई थिंक वन ऑफ द वेरी फ्यू एक्शन विमेन हीरोज. तो यही मेन रीज़न थी जिसके लिए मैंने ये फिल्म की. तो या डेफिनेटली लुक बहुत डिफरेंट है ना. आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट. और जैसे आपने कहा कि रोमांटिक फिल्म्स एब्सोल्युटली दैट आल्सो विल बी डन सून. वो अगले यू नो एंटायर अरे ऑफ फिल्म्स हैव टू बी डन. सो एक्शन इज समथिंग जो अभी आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट. बिकॉज दो मैं किक बॉक्सिंग करती रही हूँ एंड आई एम यू नो आई डू अ लॉट ऑफ फिजिकल वर्कआउट. लेकिन इस फिल्म के लिए एक तो मैंने 5 kgs पुट ऑन किए हैं एंड उसके बाद पार्को ट्रेनिंग लॉट ऑफ एक्शन ट्रेनिंग गन्स वेपन्स ये सब यूज़ करना डेफिनेटली चैलेंजिंग है बट ऑल्सो बहुत ही ज़्यादा यू नो बहुत मस्ती भी है. सो वी आर थरली इन्जॉइंग इट. बहुत ही ब्यूटिफुल फिल्म है यू नो मोर देन जस्ट द एक्शन. एक्शन से सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है ये फिल्म का. ये एक लड़की की बहुत ब्यूटिफुल जर्नी है एंड देर एक्चुअली इज़ अ लॉट ऑफ रोमांस ऑल्सो इन द फिल्म. तो आई थिंक बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगी बहुत ही एंटरटेनिंग रहेगी एंड बहुत ही हर एक औरत इससे इमोशनली कनेक्ट कर पाएगी यू नो. बिकॉज जहाँ से शुरू होती है ये फिल्म ये लड़की की जो जर्नी है जब जाके ये बनती है एक एक्शन हीरो या गैंगस्टर वो इंटायर जर्नी में किसी ना किसी एस्पेक्ट पे हर लड़की इससे कनेक्ट ज़रूर कर पाएगी. इट्स गोइंग बी अ डिफरेंट फिल्म बेसिकली जहाँ एक वुमेन गैंगस्टर होती है जो आज तक हमने डी सुना है या कभी सुना है बट एक वुमेन को कभी आपने गैंगस्टर नहीं देखा रहेगा जो इस फिल्म में आप देखोगे. इसमें दो गैंगस्टर्स है एक सुपरस्टार है कुछ रियल गैंगस्टर्स से फिल्म इंस्पायर्ड है. तो ऑब्वियसली इट्स गोइंग बी फन इट्स गोइंग बी डिफरेंट म्यूजिक इज गोइंग बी अमेजिंग. सो आई होप यू गाइस विल लव इट. मैं एक्चुअली डॉन की वाइफ का किरदार निभा रही हूँ जिसमें लाइक जैसे मैंने आपको बताया कि मैं 80s की सुपरस्टार का रोल कर रही हूँ. इससे ज़्यादा मैं आपको डिस्क्लोज नहीं कर पाऊँगी पर हाँ मैं बहुत ही एक्साइटेड इस रोल के लिए. बहुत ही स्ट्रॉन्ग रोल है मेरा और आई मीन इससे पता चलेगा कि यू नो एक्चुअली अंडरवर्ल्ड में और लाइक बाहर हुआ क्या है एग्जैक्टली. तो उसमें पूरा स्टोरी आपको अच्छे से बताया जाएगा जिसमें देखेंगे सब द बेस्ट पार्ट इज़ कि इसमें वुमेन जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रोल प्ले कर रही है. मुंबई माफिया इज़ बेसिकली अ फिल्म अबाउट 1980s जो बेसिकली माफिया वर्ल्ड चलता था बॉम्बे में. कैसे शुरू हुआ कैसे हुआ क्या गैंगवर्स होती थी उनके बिजनेसेस क्या होते थे. एक बेसिकली लड़की की स्टोरी है एक रिवेंज के ऊपर. दैट्स अ बेसिक प्लॉट ऑफ द फिल्म. कुछ उसी लेवल पे है कि बेसिकली जो फिल्म थी 80s के दौरान की है. कुछ इंसिडेंट्स जो हुए थे कुछ इंसिडेंट्स ऐसे जो जिसको किसी को मालूम नहीं है. सो इट्स अबाउट रियलिस्टिक एंड सटल फिल्म. वैसे तो किरदार के बारे में बात करना मुझे अलाउड नहीं है बट मैं आपको जिस्ट दे सकता हूँ दैट आई एम डूइंग अ कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन हु इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट डॉन्स इन बॉम्बे स्टिल अलाइव टर्न इन टू पॉलिटिशियन. मैं तो बहुत मेसमराइज हो गया था ये कैरेक्टर सुन के एंड आई एम रियली हैप्पी दैट अभिषेक सर एक्चुअली गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी टू डू दिस कैरेक्टर. आई थिंक दिस फिल्म इज़ गोइंग टू बी अमेजिंग बिकॉज ये जो कैरेक्टर मैं प्ले कर रहा बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है और मुझे मज़ा भी बहुत आ रहा है ये करने के लिए एंड आई होप दिस फिल्म गोज़ गुड. कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू बॉलीवुड वाला नाउ.